सीटेट वाले को मैं अपेयरिंग दे माननीय अतुल प्रसाद सर, कहीं नहीं दे रहे हैं आप। और साथ ही साथ सेकंड लिस्ट के बारे में आप बोले थे, तो आप बोल रहे पाठक जी का अलग आदेश, अतुल प्रसाद सर का अलग आदेश। तो अब एक ही उपाय है, भूखे मरिए, आवरण अनशन में बैठिए, गुरु रहमान आपके साथ है। मैं भी कह रहा हूँ कि सीटेट वाले गर्दनी बाग में बैठिए, गर्दनी बाग में बैठिए। और आज आप विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक करके तरह तरह की बात कर रहे हैं, तो यह नियोजित शिक्षक के मनोभावना पर चोट पहुंच रही है जो उन्होंने उन लोगों ने कहा था। तो आज कैबिनेट के मीटिंग में नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, खुद कहे हुए हैं। जब खुद कहे वो लोग बोले थे कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में राजकर्मी का उनको दर्जा मिले, मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री अपने किए हुए कार्य को पूरा करें, जो उन्होंने किया है वो पूरा किया है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, आज बड़ा दिन है, कैबिनेट की बैठक है और अब आज ही डिसाइड हो जाएगा कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए गुरु रहमान मौजूद हैं। क्या लगता है, इंतजार सबको है, सब टकटकी लगा के बैठे हुए हैं, उदास होंगे या झूमेंगे? देखिए, मुझे माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है क्योंकि छात्र नेता रह चुके हैं और छात्रों के हित को जानते हैं, और माननीय तेजस्वी प्रसाद भी निश्चित रूप से एक युवा है और कल के हो सकता है कि बिहार के नायक भी रहे। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे पूरा उम्मीद है कि नियोजित शिक्षक के पक्ष में फैसला जाएगा, क्योंकि माननीय तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री दोनों ने कहा था कि नियोजित जो शिक्षक है उनको राजकर्मी का दिया जाएगा। तो निश्चित तरफ से जो दोनों ने उन लोगों ने कहा था, तो आज कैबिनेट के मीटिंग में नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। नियोजित शिक्षक बहुत कैबिनेट मीटिंग हो गई, लेकिन हमेशा उदास हो जाते हैं नियोजित शिक्षक। आज मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय तेजस्वी जी निश्चित रूप से जो खुद कहे हुए हैं, आज अब खुद कहे वो लोग बोले थे कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में राजकर्मी का उनको दर्जा मिले और जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनका पैसा वापस कर दिया जाए और इनको राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। चाहते हैं गुरु रहमान कि आज डिसीजन फाइनल हो जाए, इसलिए चाहते हैं हम कि 15 साल से जो आदमी पढ़ा रहा है उस आदमी को 15 साल में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसी के सहारे पूरा बिहार की शिक्षा व्यवस्था खड़ी रही। और आज आप विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक करके तरह तरह की बात कर रहे हैं, तो यह नियोजित शिक्षक के मनोभावना पर चोट पहुंच रही है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं स्पष्ट कहूंगा कि नियोजित शिक्षक योग्य हैं, जिसके कारण 15 साल तक हमारी शिक्षा व्यवस्था चली है। अगर ये योग है तो इनको राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए बिना कोई परीक्षा लिए हुए। आज अगर डिसीजन सही लिया जाता है तो लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। निश्चित शिक्षा की बल्ले बल्ले हो जाएगी और पता चल जाएगी माननीय मुख्यमंत्री हम और तेजस्वी जी ने जो कहा उसको पूरा कर दिया। शिक्षक अभ्यर्थी भी खुश हो जाएंगे, निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थी खुश हो जाएंगे, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी के हक की फैसला होगी माननीय मुख्यमंत्री या माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा। लेकिन इतना समय लगाए, लग रहा है कि आज होगा? मुझे पूरी तरह से उम्मीद है, इन दोनों के संवेदनशीलता पर उम्मीद है और नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा मिले, यह समय की मांग है, वक्त की मांग है। बेचारों का पेमेंट रुका हुआ है, अब बेचारे क्षण कैसे बनाए होंगे, अब उसमें बहुत महीनों से बहुत लोग का पेमेंट रुका हुआ है। पाठक जी का अलग आदेश, अतुल प्रसाद सर का अलग आदेश, तो अब एक ही उपाय है, माननीय मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री अपने किए हुए कार्य को पूरा करें, जो उन्होंने किया है वो पूरा किया है, तो इसको भी पूरा करें। अधूरा काम आज पूरा होगा, आज पूरा होना चाहिए 100%। नहीं हुआ तो बेचारे क्या करेंगे, कोसेंगे, शिक्षक बनना अपने आप को अपराध समझेंगे वो, कि बिल्कुल ये गलत हुआ। आज अगर डिसीजन नहीं हुआ तो शिक्षक बनना अपराध हो गया, नियोजित शिक्षक के लिए अपराध हो जाएगा, बिल्कुल बिहार में अपराध हो जाएगा। अपराध हो जाएगा मतलब कि सबके लिए, नियोजित शिक्षक के लिए। क्यों बेचारा, आज प्रदर्शन है गर्दनी बाग में, सारे लोग पहुंच रहे हैं, मांग एक ही सीटेट अपियरिंग वाले, मांग दूसरा कि हमें सेकंड मेरिट लिस्ट चाहिए। मैं इन दोनों प्रदर्शन का 100% समर्थन करता हूं, लेकिन सारे बच्चों से यही कहूंगा कि अगर थोड़ी सी भी आप लोगों ने हिंसा किया तो आपकी सारी मांग बर्बाद हो जाएगी, इसलिए अहिंसात्मक आंदोलन कीजिए, भूखे मरिए, आवरण अनशन में बैठिए, गुरु रहमान आपके साथ है। मैं भी कह रहा हूँ कि सीटेट वाले गर्दनी बाग में बैठिए, गर्दनी बाग में बैठिए, सीटेट वाले को मैं अपेयरिंग दे माननीय अतुल प्रसाद सर, कहीं नहीं दे रहे हैं आप।
और साथ ही साथ सेकंड लिस्ट के बारे में आप बोले थे, तो आप बोल रहे जब बात होती है सीटेट अपीयरिंग को तो काफी गुस्सा आ जाते हैं। गुस्सा था कि लोग बोले थे कि सीटेट अपीयरिंग वाले को फर्स्ट पेज में मौका मिला था और साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि सेकंड लिस्ट जारी होगा, सेकंड लिस्ट जारी नहीं हुआ। आखिर क्या, क्यों, किस तरह की सजा बच्चों के साथ दिया जा रहा है? इसलिए मैं केवल माननीय मुख्यमंत्री से कैबिनेट के दिन तीन मीटिंग कर रहा हूं, मैं तीन मांग मान रहा हूं। एक कि राजकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षक को दिया जाए, इनसे कोई परीक्षा नहीं लिया जाए, सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दिया जाए और जितना जल्दी हो सके सेकंड लिस्ट निकाला जाए। यह राज्य के हित में, समाज के हित में, शिक्षा के हित में और एक राज्य के मुखिया होने के नाते हित में सर्वोपरि है। देखिए दरोगा गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे, कैबिनेट से पहले डिमांड कर दिए हैं सीधे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से, क्या कुछ मांग कर रहे थे वो आपने सुन लिया। अब देखना यह होगा कि कैबिनेट में होता क्या है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।